हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर लर्न पे। मैं हूँ आप सबका दोस्त सीए सोन। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले एलआईसी के बारे में। सबके मुंह पे एक ही बात है कि ये शेयर जिससे हमें इतनी आशाएं थी, जो एक बुढ़ापे का सहारा होता है, जिसमें इंसान पूरी जिंदगी की अपनी सेविंग करके इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब वाला हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होता जिसके पास लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं होती, जब ये मार्केट का नंबर वन लीडर है। और जब ये मार्केट का नंबर वन लीडर है, तो ये शेयर मार्केट का सबसे पिटा हुआ शेयर क्यों बन गया है? तो आइए फ्रेंड, आपको डिटेल के अंदर सारी चीजें बताएंगे। आप वीडियो के एंड तक जाइएगा मत, बस हमारे साथ रुके रहिएगा। ये देखिए फ्रेंड, 949 पे इसका आईपीओ का इशू हुआ था, और आज ये 709 रुपीज पे गिरकर बंद हुआ है। फ्रेंड, आपको पहले मैं ये बता दूं, एक आपको राहत मिल जाएगी कि वॉल्यूम्स गिरते हुए बहुत ज्यादा कम है। इसका क्या मतलब होता है, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस भी देखेंगे, तो जो कुछ बड़े हाथ हैं वो अपने शेयर्स को ढीला कर रहे हैं, और जिससे अभी मार्केट के अंदर बाइंग नहीं है, तो ये शेयर गिर रहा है। मतलब शेयर के अंदर ऐसी कोई अफरा तफरी वाली बात नहीं है कि ये शेयर बहुत ज्यादा गिरने वाला है, बट कुछ बड़े बड़े लोग ऐसे हैं, बड़े इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो इसके अंदर सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है और बाइंग साइड बहुत ज्यादा कम है, तो इस वजह से ये शेयर गिरता जा रहा है। तो फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ, 9th डे के सेशन में एंकर बुक का टाइम क्लोज आ रहा है। ये जो शेयर है 17 मई को लिस्ट हुआ था, 30 दिन के अंदर लॉक इन पीरियड होता है एंकर इन्वेस्टर्स का। अब 30 दिन 15 तारीख को कंप्लीट हो जाएंगे, और 15 तारीख को पता लगेगा कि वो लोग भाग जाते हैं, रुक जाते हैं, क्या ये शेयर 500 रुपए आ जाएगा, 400 रुपए आ जाएगा, या 200 रुपए आ जाएगा, वो आपको 15 तारीख को पता लग ही जाएगा। लाइव इंश्योरेंस एक जाइंट आईपीओ आया था, एंकर इन्वेस्टर ने इसके अंदर 60 मिलियन शेयर खरीदे थे 949 रुपीज पे। हम लोगों को मिले थे 904 रुपीज पे, हम लोग फिर भी फायदे में है, और ये वहां से 25% गिर चुका है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जो हैवी बायर थे, उसमें 99 स्कीम ने में पैसा आई पे लगा रखा है, जो कि 4000 करोड़ रुपीस जाकर बनती है। मैं आपको बताता हूँ अब ब्रोकरेज का क्या कहना है। मैक्वेरी ने इनिशिएट करी थी इसके ऊपर, और कहा था न्यूट्रल रेटिंग प्राइस टारगेट उन्होंने 1000 ही बोला हुआ है। एमके ग्लोबल ने बोला हुआ है 875 रुपीज की। लार्ज साइज का बड़ा लार्ज साइज का आईपीओ था, तो ये इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है। और एमके ग्लोबल ने भी यही बोला था कि आईपीओ अच्छा होने वाला है। मार्च एंडिंग के अंदर इसने प्रॉफिट दिया था 2409 करोड़ का। ये सब हो गई बातें कि ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि चलो एलआईसी का शेयर तो गिर रहा है, बाकी कंपनीज क्या कर रही हैं। मैं आपको पीयर टू पीयर कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, आपको ये वीडियो एकदम डिटेल के अंदर होने वाली है, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी। फ्रेंड्स, आप खुद देखें, आपको खुद देखें, आप किसी की बात सुनिए मत, आप मेरी भी बात मत सुनिए, बट जो एनालिसिस आपको खुद खोल के देखिए, वीडियो के अंदर एनालिसिस को आराम से देखे। ये देखिए फ्रेंड, आज सारे ही परसेंटेज गिर रहे हैं। एलआईसी का आईपीओ 709 पे, इसके मार्केट कैप 6 लाख करोड़ से 4,48,000 करोड़ हो गई है, जो म्यूचुअल फंड का 1.5 लाख करोड़ मतलब गायब हो गया है। प्रॉफिट टू बुक रेशियो की बात करें तो इसकी 43 है, इसकी 9.94 है, एसबीआई की 7.90 है, आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल की 6.64 है, और आईसीआई लोम्बार्ड की 5.81 है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो मेरे को तो सबसे बेस्ट एलआईसी की दिख रही है, जो 38.84% है, एचडीएफसी लाइफ की 8.54% है, एसबीआई लाइफ की 12.95% है, आईसीआईसीआई की 6.29 और 13.42 है। एक साल की परफॉर्मेंस देखें, एचडीआईसी लाइफ भी आपका 14% गिरकर बना हुआ है, एसबीआई लाइफ के अंदर आपको 15% फायदा हो रहा है, और आईसीआईसीआई 3% 25% ये भी आपको गिरते हुए दिख रहे हैं। बस एलआईसी अभी सुर्खियों में है और उसकी गिरावट अभी दिख रही है। जिसे कहते हैं ना कि क्लास में जो बच्चा पहले से फेल होता आ रहा होता है, वो फेल हो जाए तो उस पर ध्यान किसी का नहीं जाता, बट टॉपर बच्चे के 90 से नीचे नंबर आ जाए तो क्लास के अंदर अफरा तफरी मच जाती है कि क्या पेपर इतना मुश्किल आया था कि इसके 90 से नीचे आ गए, 90 नंबर अच्छे हैं फिर भी नीचे आ गए तो क्यों आ गए। ऐसा ही एलआईसी के ज्यादा क्लास का ऐसा टॉपर बच्चा है जिसके बारे में अभी सब सोच रहे हैं। और फ्रेंड, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 4000 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। नेट सेल्स की बात करें तो 7,20,000 करोड़ की इसकी नेट सेल्स है। एचडीएफसी का देखें फ्रेंड, इसका आधा का आधा है 1,326 करोड़, एसबीआई लाइफ का आधा
से भी कम है, 1.5 0.5. आईसीआई प्रोडेंशियल तो मेरे को लगता ही नहीं कहीं रेस में है. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है 1.27. नेट सेल्स की बात करें तो फ्रेंड्स 7 गुना सेल्स है, 7 गुना से भी ज्यादा 10 गुना सेल्स है. एसबीआई लाइफ से 10 गुना सेल्स है, आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल 10 गुना सेल्स है, आईसीआई लोम्बार्ड मैं फ्रेंड्स कैलकुलेट नहीं कर पा रहा 40 गुना सेल्स है या 50 गुना सेल्स है. डेट टू इक्विटी 0. ये देखिए आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल में फिर भी 0.10 डेट है. एलआईसी जो लाइफ इंश्योरेंस बेचती है उसके ऊपर डेट है. तो फ्रेंड मैं तो इस शेयर को एवरेज करने वाला हूँ, मेरे को इस शेयर के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं दिखती है. और अगर एंकर इन्वेस्टर्स के बाद ये शेयर और गिरता है मैं इसे एवरेज करने वाला हूँ. फ्रेंड ये शेयर, ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है, मैं इस पर कोई एडवाइस नहीं करता. अगर आप शेयर एवरेज करना वाले तो आप खुद से ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या खुद स्टडी करके ही एवरेज करें. इस वीडियो को देख के एवरेज मत करना, बट मैं इसे जरूर जरूर एवरेज करने वाला हूँ. तो थैंक यू फ्रेंड, कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएं क्या आप लोग भी इस शेयर को बाय करेंगे या एलआईसी को लेके आपकी क्या राय बनने वाली है. तो थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, मिलते हैं.